फिल्म इंडस्ट्री में रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस के रूप में उभरी जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। आज भी अपनी हसीन अदाओं से लाखों के दिलों पर छुरियां चलाती हैं। इनकी अदा है ही ऐसी कि इस उम्र में भी खूबसूरती के मामले में अच्छी अच्छी एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं। संजीदा किरदार निभाने वाली रेखा तो कभी अपनी चुलबुली अदाओं से लोगों को अपना कायल बनाने वाली वो अगर कोई एक्ट्रेस है तो वो है रेखा। फिल्मों के अलावा रेखा का निजी जिंदगी में नाता विवादों से बेहद भरा रहा। आज हम आपको रेखा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, रेखा ने अपनी पहली फिल्म से ही एक बड़ी छाप छोड़ दी थी और खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो चलिए इस पर आपको कुछ और पहलू बताए जाएं। रेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर थी, जिसकी शूटिंग 1969 में हुई थी, लेकिन कुछ वजह से ये फिल्म 10 साल बाद तो शिकारी के नाम से बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के एक सीन ने रेखा को रातों रात स्टार बना दिया था। हर जगह बस इन्हीं के चर्चा थे। दरअसल इस सीन में एक्टर विश्वजीत को रेखा को किस करना था। उस समय रेखा की उम्र महज 15 साल थी। मजबूरी में रेखा ने इस छोटी सी उम्र में अपने से 25 साल बड़े हीरो को किस कर तहलका मचा दिया था। आपको बता दें, इस सीन का जिक्र रेखा के जीवन पर लिखी गई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया गया है। फिल्म के इस सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैची चलाने की कोशिश की। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने खोसला कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच के बाद कहा था कि सीन दो लोगों का पर्सनल मामला है, अगर उन दोनों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो किसी तीसरे को भी उनमें बोलने का हक नहीं है। ये मामला इतना बढ़ गया था कि अमेरिका की लाइफ मैगजीन में इस पर कवर स्टोरी छपी थी। स्टोरी का टाइटल था द किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। इस मैगजीन को फोटो चाहिए थी, इसलिए दोबारा रेखा और विश्वजीत को बुलाकर ये किस सीन शूट करवाया। रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में रेखा को बिना बताए शूट किया गया था। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे और कुछ नहीं बोला था। यहां तक कि डायरेक्टर राजा नवाठे ने भी कट तक नहीं बोला। ये सीन चलता रहा। रेखा से जुड़े और भी कई ऐसे पहलू जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, हम लेके हाजिर होते रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से ज्योति की रिपोर्ट।